नमस्कार दृष्टि आई के टुडे के प्रोग्राम में आपका स्वागत है सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप कैप देख लेते हैं पहला प्रश्न था नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है इसका सही जवाब था एक वर्ष अगला प्रश्न था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दो तक समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय बाढ़ से सात एशियाई शहरों के पंद्रह मिलियन लोग प्रभावित हो सकते हैं दूसरा ये सात शहर बैंकॉक हॉन्गक टोकियो जकार्ता सियोल ताइपे और मनीला है तीसरा ये सभी शहर समुद्री तट पर या उसके करीब स्थित आर्थिक केंद्र हैं। उपरयुक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है इसका सही जवाब था केवल दो और तीन अगला प्रश्न था नौसेना का प्रमुख विध्वंसक आईएनएस तबर दो दिनों के लिए अलेक्जेंड्रिया पहुंचा। बताइए अलेक्जेंड्रिया कहाँ स्थित है इसका सही जवाब था मिस्र अगला प्रश्न था हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकता यानी पी एम योजना का एक वर्ष पूर्ण हुआ है यह किस मंत्रालय की योजना है इसका सही जवाब था खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अगला प्रश्न था जल शक्ति मंत्रालय ने किस नदी बेसिन का ग्लेशियल झील एटलस जारी किया है इसका सही जवाब था गंगा अगला प्रश्न था एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है इसका सही जवाब था विधि एवं न्याय मंत्रालय अगला प्रश्न था स्वाधीनता संग्राम सेनानी दादाभाई नौरोजी की पुण्यतिथि तो कब मनाई जाती है इसका सही जवाब था 30 जून अगला प्रश्न था अंतरराष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है इसका सही जवाब था था 30 जून। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश सरकार ने आम लोगों के लिए रविवार के दिन भी शौर्य स्मारक को खुला रखने का निर्णय लिया है शौर्य स्मारक से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला शौर्य स्मारक स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा संचालित है दूसरा यह yes, स्मारक युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को समर्पित है तीसरा यह मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है उपरयुक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है इसका सही जवाब था केवल एक और दो अंतिम प्रश्न था आत्मनिर्भर कृषि ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है इसका सही जवाब था भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय शुरुआत करते हैं आज के सेशन की सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न हूल दिवस कब मनाया जाता है उनतीस जून तीस जून एक जुलाई या फिर दो जुलाई इसका सही जवाब ऑप्शन बी तीस जून होल दिवस तीस जून को मनाया जाता है तीस जून १८५५ को अंग्रेजों और दमनकारी जमींदारों के खिलाफ संथाल भाइयों सिद्धू कानू चांद और भैरव ने विद्रोह किया था इसे संथाल आदिवासी विद्रोह कहा जाता है इस विद्रोह में उनकी बहने फूलों और झानो भी शामिल थी आदिवासियों के इस विद्रोह का उद्देश्य अपनी जमीन के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करना था तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी 30 जून हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आज के सेशन का पहला प्रश्न है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है एक जुलाई दो जुलाई तीन जुलाई या फिर चार जुलाई इसका सही जवाब ऑप्शन ए एक जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस एक जुलाई को मनाया जाता है यह दिन चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है यह दिन डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित है जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भारत में पहली बार 1 जुलाई 1991 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आई द्वारा मनाया गया था तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए एक जुलाई अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला पश्चिम बंगाल सरकार ने स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है दूसरा इस योजना के तहत विद्यार्थियों को भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए दस लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा तीसरा शिक्षा ऋण की गारंटर केंद्र सरकार होगी उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है केवल एक केवल एक और दो केवल दो और तीन या फिर एक दो और तीन इसका सही जवाब ऑप्शन बी केवल एक और दो पश्चिम बंगाल सरकार ने स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है इस योजना के तहत विद्यार्थियों को भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए दस लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा शिक्षा ऋण की गारंटर राज्य सरकार होगी योजना में सभी पाठ्यक्रम शुल्क ट्यूशन और छात्रावास शुल्क किताबों और लैपटॉप के खर्च को कवर किया जाएगा ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि पंद्रह वर्ष होगी चालीस वर्ष की आयु तक के व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी केवल एक और दो अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय खोज सहयोग नागरिक विज्ञान कार्यक्रम के तहत तिरुचिरापल्ली के एक शिक्षक और विद्यार्थी ने मिलकर तीन नए शुद्र ग्रहों की खोज की है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला यह कार्यक्रम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने आयोजित किया था दूसरा तीनों शुद्र ग्रहों को अस्थायी रूप से बी बी एम टू वन जीरो टू और बी बी एम टू वन जीरो थ्री नाम दिया गया है तीसरा कार्यक्रम के प्रतिभागियों द्वारा कुल एक सौ सड़सठ शुद्र ग्रहों की खोज की गई। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है केवल एक केवल एक और दो केवल दो और तीन या फिर एक दो और तीन इसका सही जवाब ऑप्शन डी एक दो और तीन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय खोज सहयोग नागरिक विज्ञान कार्यक्रम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने आयोजित किया था इसके तहत तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के एक शिक्षक और विद्यार्थी ने मिलकर तीन नए शुद्ध ग्रहों की खोज की तीनों शूद्र ग्रहों को अस्थायी रूप से बी बी एम टू वन जीरो टू और बी बी एम टू वन जीरो थ्री नाम दिया गया है इस कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों द्वारा कुल एक सौ सड़सठ शूद्र ग्रहों की खोज की गई। नासा इनका विस्तार से अध्ययन करेगा जिसके बाद इन्हें आधिकारिक नाम दिया जाएगा तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी एक दो और तीन अगला प्रश्न है एटमॉस्फेरिक एनवायरमेंट पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार ब्लैक कार्बन निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है पर्यावरण संतुलन समय पूर्व मृत्यु कैंसर या फिर मधुमेह इसका सही जवाब ऑप्शन बी समय पूर्व मृत्यु एटमॉस्फेरिक एनवायरमेंट पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार ब्लैक कार्बन समय पूर्व मृत्यु के लिए जिम्मेदार है ब्लैक कार्बन एक प्रकार का पार्टिकुलेट मैटर है इसका निर्माण कार्बन उत्सर्जन के कारण होता है भारत में सिंधु गंगा नदी के मैदान वाले क्षेत्र में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी समय पूर्व मृत्यु अगला प्रश्न है पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है कावेरी गोदावरी तुंगभद्रा या फिर नर्मदा इसका सही जवाब ऑप्शन बी गोदावरी पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर विकसित की जा रही है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के कारण यह परियोजना चर्चा में है इस सिंचाई परियोजना का लाभ विशाखापटनम पूर्वी गोदावरी पश्चिम गोदावरी और कृष्णा जिले को मिलेगा यह परियोजना आंध्र प्रदेश में पोलावरम गांव के पास स्थित है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी गोदावरी अगला प्रश्न है अरब सागर से गर्मी और आद्र हवा के मिश्रण के कारण जकोबाबाद का तापमान बावन डिग्री सेल्सियस के तापमान को पार कर गया जो संभावित रूप से मानव जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है जकोबाबाद कहाँ स्थित है भारत बांग्लादेश पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान इसका सही जवाब ऑप्शन सी पाकिस्तान अरब सागर से गर्मी और आर्द्र हवा के मिश्रण के कारण जकोबाबाद का तापमान बावन डिग्री सेल्सियस के तापमान को पार कर गया जकोबाबाद पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है भौगोलिक रूप से जकोबाबाद कर्क रेखा पर स्थित है जकोबाबाद में रिकॉर्ड किए गए उच्च तापमान के पीछे यह भी एक कारण है कि गर्मी के महीनों में सूर्य कर्क रेखा के लगभग ऊपर की ओर होता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी पाकिस्तान अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार के वर्ष 2021 22 के कला पंचांग में मध्य प्रदेश की जनजातियों के प्रकृति से लगाव के चित्रण को प्रकाशित किया गया है पंचांग के कवर पेज पर कर्मा नृत्य पर बनाई गई पेंटिंग को जगह दी गई है यह है पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है भूरी बाई ननकुसिया श्याम नर्मदा प्रसाद टेकाम या फिर कला श्याम इसका सही जवाब ऑप्शन डी कलाबाई श्याम मध्य प्रदेश सरकार के वर्ष 2021-22 के कला पंचांग में मध्य प्रदेश की जनजातियों के प्रकृति से लगाव के चित्रण को प्रकाशित किया गया है पंचांग के कवर पेज पर कर्मा नृत्य पर बनाई गई पेंटिंग को जगह दी गई है यह पेंटिंग कलाबाई शाम श्याम द्वारा बनाई गई है कलाबाई अपनी कलात्मक अभिव्यक्तियों के लिए कैनवास ब्रश और एक्रेलिक पेंट का उपयोग करती हैं। उन्हें बाघों हिरण पेड़ों और पक्षियों को चित्रित करने के लिए जाना जाता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कला बाई श्याम अगला प्रश्न है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर विमानों की सहायता से काला सागर की निगरानी का आरोप लगाया है निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता बुल्गारिया रोमानिया रूस या फिर पोलैंड इसका सही जवाब ऑप्शन डी पोलैंड रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर विमानों की सहायता से काला सागर की निगरानी का आरोप लगाया है पोलैंड काला सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता रूस काला सागर क्षेत्र को अपनी भू आर्थिक रणनीति के लिए महत्वपूर्ण तो मानता है आर्थिक और व्यापारिक रूप से रूस काला सागर पर निर्भर है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी पोलैंड अगला प्रश्न है चार फीट लंबी स्पिनर डॉल्फिन ओडिशा के पारादीप में भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान में मृत पाई गई इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है स्पिनर डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम स्टेनेला लोंगी रोस्ट्रिस है यह दुर्लभ डॉल्फिन है ओडिशा में इनका संरक्षण किया जा रहा है या फिर स्पिनर डॉल्फिन तनपाई नहीं है इसका सही जवाब ऑप्शन डी स्पिनर डॉल्फिन तनपाई नहीं है चार फीट लंबी स्पिनर डॉल्फिन ओडिशा के पारादीप में भीतर कनी राष्ट्रीय उद्यान में मृत पाई गई स्पिनर डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम स्टेनेला है ओडिशा में इनका संरक्षण किया जा रहा है स्पिनर डॉल्फिन है। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम उन्नीस की अनुसूची एक के तहत संरक्षित है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी स्पिनर डॉल्फिन तनपाई नहीं है अंतिम प्रश्न है किस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में राजधानी स्थानांतरण की एक साल पुरानी परंपरा को समाप्त कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर उत्तराखंड या फिर पंजाब इसका सही जवाब ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में राजधानी स्थानांतरण की परंपरा को समाप्त कर दिया गया है राजधानी स्थानांतरण की इस प्रक्रिया में जम्मू श्रीनगर राजमार्ग से ट्रकों में सैकड़ों फाइलों को ले जाया जाता था श्रीनगर और जम्मू के बीच राजधानियों के स्थानांतरण की एक साल पुरानी परंपरा समाप्त हो गई है इसे दरबार मूव के नाम से जाना जाता है ऐसा माना जाता है कि डोगरा सम्राट महाराजा गुलाब सिंह ने अठारह में राजधानी को स्थानांतरित करने की परंपरा शुरू की थी तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न किस शहर ने अपना पहला इंटरैक्टिव जैव विविधता मानचित्र जारी किया है चेन्नई बेंगलुरु मुंबई या फिर अहमदाबाद इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड